हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उस पर कोई जुल्म व ज्यादती ना करे, और जब वो उसकी मदद व आनत का मोहताज हो तो उसकी मदद करे, और उसको बेमदद के ना छोड़े, और उसको हकीर ना जाने, और ना उसके साथ हकारत का बर्ताव करे। क्या खबर कि उसके दिल में तकवा हो, जिसकी वजह से वो अल्लाह के नजदीक मुकर्रम और मोहतरम हो। फिर आपने 3 बार अपने सीना की तरफ इशारा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तकवा यहाँ होता है। हो सकता है कि तुम किसी को उसके जाहिरी हाल से मामूली आदमी समझो, और अपने दिल के तकवे की वजह से वो अल्लाह के नजदीक मोहतरम हो। इसलिए कभी मुसलमान को हकीर न समझो। आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे और उसके साथ हकारत से पेश आए। मुसलमान की हर चीज दूसरे मुसलमान के लिए काबिल एहतराम है, उसका खून, उसका माल और उसकी आबरू। इसलिए नाहक उसका खून गिराना, उसका माल लेना और उसकी आबरू रेजी करना, ये सब हराम है।